योगेश ही चला जाता है जगह, या कोई किसी न किसी को भेज देता हूँ। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे मुझे जाना पड़ता है। एक्चुअली मेरे जाने से उनको काफ़ी अच्छा लगता है, थोड़ा मन को शांति मिल जाती है कि मेरा काम हो ही जाएगा। अदरवाइज इतनी रात को कौन जाता है, लेकिन मैं जाता हूँ। बड़ी ट्रक व्रक जो होती है ना, इस गांव के रास्ते से ना जाए, नहीं तो क्या रोड खराब हो जाएगा। क्योंकि बच्चे बच्चे रहते हैं, बाहरी वाहन ना जा सके, इसलिए यहाँ पे बैरियर लगाते हैं। लेकिन अब ये जो है सिटी बन गई है। देखो यहाँ पे ये सर, यहाँ पहले सब खेत हुआ करते थे, यहाँ पे सब खेत थे, लेकिन देखो कंस्ट्रक्शन चालू है, पोल्ट्री बन चुकी है, लाइट वर्क कम्प्लीट हो गया, कितना अच्छा। अब इसको भी सिटी बना देंगे यहाँ पे। सूरत का ये सनिया गाँव इलाका, मैं आज एक विजिट पे गया था, साइट से लौटा हुआ था। तो एक क्लाइंट था, पुराना क्लाइंट था, 8-9 साल पहले इसका लोन करवाया था मैंने। तो मैंने सोचा चलो रास्ते में मिलते चलता हूँ और अपने नए साइट के बारे में बताता हूँ, तो कुछ ग्राहक देगा मुझे। मुझे सुन के बहुत दुख हुआ कि यार उसकी जो मासी है छोटी वाली, वो लोग गाँव गए थे और परसों ही लौटे थे। कल ही उसकी मासी जो है ना, फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। ये सुन के बहुत दुख हुआ, जबकि उसकी मम्मी बता रही थी, ग्राहक की जो मम्मी थी यानी कि जीतू भाई की माँ बोल रही थी कि हमारी जो छोटी वाली बहन है बहुत अमीर है, उसके दो दो बच्चे हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और सब कुछ अच्छा भी था यार। लेकिन पता नहीं अचानक सा परसों वो लोग साथ में ही आए थे, कभी उसने सुसाइड कर लिया। आजकल लोग छोटी छोटी बातों में ना खुदकुशी कर रहे थे यार, मतलब अपनी ज़िंदगी को कुछ समझ ही नहीं रहे। शायद उस समय अगर खुशी नहीं करें, कुछ वक्त दें, 5-10 मिनट शांति से सोचे ना, तो मौका मिल जाए यार कि ये सब हम क्या कर रहे हैं। सुन के बहुत तकलीफ होती है भाई। दोस्तों अगर आप भी सुन रहे हो मेरी बात को, तो इस जो मतलब ये था वाकया मैंने सुना ना, मुझे झकझोर दिया। मुझे बहुत दुख होता है यार कि जब कोई सुसाइड कर लेता है छोटी छोटी बातों पे। कभी कभी बात तो एक ऐसी बातों पे लोग सुसाइड कर लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। मत करो सुसाइड यार, जो दिल में बातें हैं वो बातें कह दो, क्लियर कर दो, अलग हो जाओ, किसी कुछ दिन तक कहीं चले जाओ, घूमने चले जाओ, कुछ भी करो यार, लेकिन सुसाइड मत करो। ज़िंदगी इतनी मुश्किल से मिलती है और उसको इतना ख़त्म, ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं, बहुत दुख होता है। पता है उम्र भी बहुत, मतलब बहुत कम नहीं थी कि मेच्योरिटी नहीं थी, उम्र थी उनकी 57 साल। अब 57 साल में कौन सुसाइड करता है यार, बच्चे हैं, बहू है, नाती पोते हैं, उनमें खुश रहो। और पता है एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि जो पुराने ख्याल के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं नए ख्यालों में, उनको बातें बुरी लगती हैं और कहीं ना कहीं वो जो है ऐसा कदम, घिनौना कदम उठाते हैं, क्योंकि उठाना नहीं चाहिए। हो सकती है मेरी, आप कुछ लोगों को मेरी बातें बोरिंग लग रही होगी, भैया ये बात ज़रूर सुनो और इसे ज़रूर लोगों को कम से कम ऐसी तो बातें करो यार कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी तकलीफ आए ना, सुसाइड मत करो। और बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने यहाँ सुना ना, तो मुझे लगा कि शायद आपके साथ जिक्र करूँ, और आपके साथ में भी अगर कोई इस बात को सुने ना, तो ज़िंदगी को ख़त्म तो मत करो, कटने दो जैसा कटता है, तुम्हारे मौत से तो अच्छा ही रहेगा, घबराना नहीं चाहिए। बाकी हम पहुंचने वाले हैं अपने क्लाइंट के पास में। और पता है मैं रात को क्यों आया हूँ, क्योंकि जब लोन की ज़रूरत होती है ना लोगों को, तो कहीं ना कहीं वो सच में कितनी मुश्किलों में होता होगा जब वो लोन लेता है। ये भाई कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है शायद, कन्फर्म नहीं हूँ, जो मेरा क्लाइंट था उसके ही रेफरेंस से मैं जा रहा हूँ। उसके अंकल हैं ये, इनको काफ़ी टाइम से कुछ पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन इनके लोन कहीं हो नहीं पा रहे हैं। इन्होंने कई जगह अप्लाई किए थे लेकिन लोन हुआ नहीं था। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, घर पहुंच गया हूँ, वैसे भी ऑफिस में साइट पे होता तो साइट जा नहीं पाता, योगेश को भेजना पड़ता मुझे, लेकिन अब मैं खुद जा रहा हूँ, देखूँगा कुछ भी करके 1% भी चांस होगा ना तो मैं लोन करवा दूँगा उनका। और शायद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि उनका काम हो जाए आसानी से, अपने प्रॉब्लम को जो है ना, अपने प्रॉब्लम को दूर कर सके।
उनके में अकाउंट में बैलेंस नहीं आता है, पासबुक तो है, तो लोन किसे ना मिलेगा? उनका पास वो नहीं है, पान पाल भाई का पैसा ही नहीं, वो आया था लेकिन क्या दूसरे का फोटो लगा हुआ था, तो भी तुम देखिए भाभी के नाम पे करेंगे। उनका जो सैलरी भी अकाउंट में आता है, सैलरी आती है अकाउंट में आती है? कितनी सैलरी आती है? 15,000 रुपये हो जाता है। 20,000 आता है, डिपॉजिट पास हो सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी क्या आशे वर्कर है? हाँ, तो उसके पेटे दिक्कत नहीं रहा, वो प्रॉब्लम ही नहीं है। घर बना लिया ना तो फिर अभी अपना कैसा रहता है, इधर से लो घर बनाओ फिर जमा करो, चुकाओ 8,000 दिक्कत है। ये लोन किस लिए ले रहे हैं? किस लिए लोन ले रहे हैं? ये तो घर बनवाया ना कर्जा लेके, उनको देना है, उनको ही देना है। ब्याज से लिया था क्या? हाँ, ब्याज कुछ ब्याज है कुछ ऐसे व्यवहार में है। अभी क्या गर्मी आ रही है, शादी पड़ने वाली है, अभी सबको पैसा दे दूंगा। नहीं नहीं सही सही टाइम पे दे देना ही अच्छी बात होती है, अपना बढ़ते रहो, धीरे धीरे बढ़ती खत्म कर। तो भाई हो गई विजिट, अब हम लोग चले गए घर। कितने बज गए? 9:30 कि 9:45? 9:30 बज गए। तो ये होता है हमारा रूटीन, जब हम घर पे होते हैं और क्लाइंट का फोन आ जाता है तो शाम को भी मैं निकल लेता हूँ। एक्चुअली जिनका लोन करना है, इन्होंने घर बनाते समय किसी से पैसे लिए थे, जब अब वो इनको काफ़ी जोर दे रहे हैं कि पैसे मेरे वापस चाहिए, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिलहाल इनका सोच अच्छी है, इनकी सोच अच्छी है कि भाई लोन ले लेंगे। और बैंक से लोन करने का फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली ईएमआई भर सकते हैं और जिसको देना है दे करके आप फ्री हो सकते हैं। कम से कम प्रेशर तो नहीं आएगा, मतलब हमको देखना ही रहता है कि सामने वाला कमा कितना रहा है, भर कितना सकता है। ऐसा ना हो कि इसने ले लिया हो 5 लाख का लोन ले ले, मतलब उसकी कमाई जो है वो हो 15,000 रुपये, पता लगा ईएमआई भरना हो 12,000 रुपये, तो बचाएगा क्या, खाएगा क्या, फिर इमरजेंसी में इसको बहुत तकलीफ हो सकती है। मैं यही देख करके काम करता हूँ, लोन करता हूँ कि सामने वाला भर भी पाएगा आसानी से और जो है अपना खर्च भी मैनेज कर पाएगा। तब हम उसको वो चीज़ें समझाते हैं कि भाई तुम्हें कितनी लोन लेनी चाहिए कितनी नहीं। कई बार ऐसे लगता है कि कस्टमर जो है फंसा होता है चारों तरफ से, उसको लोन चाहिए होती थी किसी भी कीमत में, और वो क्या करता है कि बाद में और फंस जाता है, फिर वो लोन नहीं भर पाता है, जिससे बैंक से उसको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके मकान जा सकते हैं। तो वो काम हम नहीं करते हैं, हम तो काम समझाने का काम करते हैं, और मुझे लगता है कि लोन करना चाहिए तो हम लोन करवा देते हैं। चलिए ये हो गया काम हमारा जो मैं आपको बताया था कि ऐसे ही मैं दिन में भी बहुत सारे काम जो होते हैं हमारे, एक तो लोन का हो गया, दूसरी प्रॉपर्टी का हो गया, तीसरी जो हमारे एम्प्लॉई हैं इनकम टैक्स इंश्योरेंस लोन GST ये सारे काम हम करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि दौड़ते हैं। मैं ये इमरजेंसी में जाता हूँ, जब मुझे अभी मैं लड़कों को भेज सकता था लेकिन मुझे लगा कि टाइम हो गया है ज़्यादा, सब पहुँच चुके अपने घर, तो मैं खुद हो लेता हूँ और ऐसे ही कर लेता हूँ। बहुत मेहनत किया मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। आपको कभी बताऊँगा अपनी स्टोरी। एक्चुअली क्या ना, जब मैं सूरत आया था पहली बार तो मेरे पास बाइक भी नहीं थी, रिक्शे से काम करता था जो मेरी बैंक में नौकरी लगी थी, और उससे भी पहले केले बेचता था लारी में। इसकी कहानी बाद में बताऊंगा, अगले वीडियो में, कभी फुर्सत से इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।